मॉर्निंग। तो यहाँ पे आ गया है हमारा टॉवर फैन। एक्चुअली अभी गर्मी बढ़ गई वापस से, तो फिर हमने सोचा कि कूलर ले ले, तो फिर कूलर के बदले फिर मैंने देखा टॉवर फैन एक अच्छा ऑप्शन था, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यही लिया जाए। तो मैंने अमेजोन से मंगाया था, आईबेल का है, तो उसका मैं अभी ओपनिंग कर रही हूँ। और परी कुछ भी हमारे यहाँ पे पार्सल आता है वो इतनी एक्साइटेड होती है देखने के लिए कि क्या आया है उसमें, और उसमें ये इतना बड़ा बॉक्स था तो वो बस उसके इर्द गिर्द घूम रही थी कि इसमें क्या है क्या है, उसको जानना था। और पहले तो उसको लगा उसमें साइकिल है, क्योंकि एक बार जब पहली बार बॉक्स आया था तो उसमें से साइकिल बनी थी, तो वो साइकिल साइकिल कर रही थी। मैंने बोला नहीं साइकिल नहीं, तो वो मुझे हेल्प भी कर रही थी, वो सब उठा के डाल रही थी। मैंने उसे बोला कि वहाँ पे भी वो भी उठा के डाल दी, तो वो भी डाल रही थी। और अभी उसको जानना था कि ये है क्या, तो मैं जब बार बार पूछती मम्मा का है मम्मा का है, फिर मैंने उसको निकाल के दिखाया कि भाई ये फ़ैन है करके, तो बहुत ही अच्छा है वैसे। मैंने जैसे कहा कि अमेजोन से मंगाया, आई बेल का है। मैंने उसके रिव्यू जब पढ़े तो वहाँ पे कमेंट्स थे कि नॉइज़ ज़्यादा आता है, पर जब मैंने यूज़ किया तो इतना ज़्यादा नॉइस नहीं है, मतलब हम सहन कर सकते उतना है। अब कैसा है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा शांति पसंद है, हमें थोड़ा सा नॉइस चलता है, तो उस अकॉर्डिंग देखा मैंने तो इतना भी ज़्यादा नहीं। फ़ैन का भी जितना आवाज़ आता है, अगर वो हम पूरी लाइट वाइट बंद कर दें तो फ़ैन का भी थोड़ा आवाज़ आता है, तो उस अकॉर्डिंग इसका भी आता है। तो मुझे तो अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा है। 3 लेवल आप कर सकते हो, लोअर अपर लोअर मिडल और अपर ऐसे वाले, और स्विंग्स करने का एक ऑप्शन है या ऑफ़ कर सकते हो स्विंग, तो अकॉर्डिंग अच्छा है ये फ़ैन। और मैंने ना कि छोटा सा जगह ज़्यादा ये नहीं होती है, तो मैं जब परी को दिखाना था चला के कि कैसा चल रहा है, तो मैंने सोचा कि चलो अभी दिखा दूँ। तो मैंने सोचा है कि मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है उसके साइड में मेरा ट्राईपॉड है, तो उसके कोने में एक जगह तो वहाँ पे रखूँगी, बट फिलहाल मैंने अभी यहाँ पे लगा कर देख रही थी, वहाँ पे प्लग था इसलिए। और अभी परी का रिएक्शन देखना, तो परी को इतनी मज़ा आ रहा था ना, तो ये देखिए वो उसके पास ही बैठी। और आगे भी वीडियो शूट किए थे लेकिन मैंने वो डाले नहीं क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े वीडियोस थे। अब है नेक्स्ट डे, अब आया है पार्सल परी के लिए, तो परी के लिए मैंने कुछ मंगवाया है, तो वो आया था। और आजकल ना पार्सल यार शाम को 6-7 बजे भी आते, पहले इतना लेट नहीं आता था लेकिन अभी 6:30-7 बजे भी आता है, तो देखिए घड़ी में 7 बजे। और मैंने परी के लिए मंगाया था ABCD पजल, और ये जो है ना मैंने मीशो से मंगाया था, और ये वुडन का है, तो मुझे कब से लेना था लेकिन मैं देख रही थी कुछ अच्छे से मुझे ऑफ़र में वगैरह मिल जाए, तो काफ़ी अच्छा मिला है। और उसमें मुझे क्या अच्छा लगा ना, वैसे तो सिर्फ ABCD वाला भी था लेकिन यहाँ पे A for Apple, B for Ball, C for Cat ये भी लिखा है, तो उस अकॉर्डिंग परी वो भी सीखेगी, मतलब प्रॉपर उसके माइंड में अच्छे से वो लर्न कर पाएगी, इसलिए मैंने ये वाला मंगाया। काफ़ी अच्छा है, उसको पकड़ने के लिए भी अच्छा है, वुडन का है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं परी को सिखा रही थी थोड़ा सा, क्योंकि उसको पता नहीं चला था कि इसके साथ मुझे कैसे खेलना है। और जब मैं ये वीडियो का भी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो उस टाइम तक तो परी बहुत अच्छे से अभी खेल लेती है, लेकिन स्टार्टिंग में उसको नहीं पता था ना कि ये कैसे करना है, तो मैं उसको दिखा रही थी कि ऐसे निकाल सकते हो आप, फिर ऐसे ए डालो बी डालो सी डालो इस तरीके से, तो वो बोल रही थी वाई है, जो भी उसको हाथ में आ रहा था ना उस अकॉर्डिंग वो समझने की कोशिश कर रही थी। तो कोई भी नया गेम आया तो थोड़ा बच्चों को सिखाना पड़ता है कि ये क्या है कैसे, फिर वो अपने आप खेल लेते, तो मैं भी परी को वही हेल्प कर रही थी कि वो उसको सब बताओ कि कैसे क्या है। और एक बात कि नवरात्र स्टार्ट हो चुके हैं, एक्चुअली पहले 2-3 दिन तक हम नवरात्र खेलने गए नहीं, जब ग्रीन कलर था ना 3rd डे पे शायद, तो उस दिन जाने वाले थे लेकिन ऑलमोस्ट मतलब रेडी भी हो गए और लास्ट मोमेंट पे कैंसिल हो गया, तो इसीलिए मैंने नवरात्र की कोई वीडियो शूट नहीं किया। लेकिन हाँ इसके आगे यहाँ पे भी आपको ये वीडियो में भी आगे नवरात्र का एक दिखेगा, और उसके आगे भी गरबे की वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि आज से हमने सोचा है, मतलब वाइट कलर जब था ना उससे हमने गरबा खेलना जाना स्टार्ट कर दिया था और डेली जा रहे थे, तो इसीलिए। और मैं सोच रही हूँ कि इस बार ना, मैं लास्ट टाइम मैंने क्या किया था, वॉइस रिकॉर्ड पूरा म्यूजिक कट करके यूट्यूब का म्यूजिक डाला था, लेकिन इस बार मैंने सोचा कि कॉपीराइट क्लेम आए तो भी चलेगा, लेकिन जो म्यूजिक रहे वही रखूँ, तो वही मैं सोच रही हूँ कि उतने के उतने आगे कंटिन्यू पूरे रखूँ। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको पूरे वीडियोज़ देखना पसंद आएगा क्या, क्योंकि कोई 5 मिनट का, कोई 7 मिनट का, कोई 8 मिनट का होगा सिर्फ गरबे का पोर्शन, तो ऐसे आपको अच्छा लगेगा क्या, तो मैं आगे की वीडियो फिर वैसे एडिटिंग करूँगी, अगर आपको नहीं पसंद हो तो मैं कट कर दूँगी, पसंद हो तो मैं रख लूँगी, तो ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं परी को बता रही थी कि VAWAX, और वो भी अभी ढूंढ रही थी, उसको भी अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा था, बस वो M और W में थोड़ा कन्फ्यूज हो जाती है और V और A में कन्फ्यूज होती है, लेकिन वो उसने ना अभी कलर याद रखे है, तो उसके हाथ में अगर ग्रीन कलर आया तो वो वहाँ पर रखती है।
और रेड आया तो वो फिर ए पे लगाती है, तो वो अभी कलर में वी और ए को याद रखती है। तो ऐसे अभी परी का नया गेम चलता रहेगा। आज तो ये पूरी शाम इसमें बिताने वाली है, मतलब परी शाम को 6 कि ना 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक कंटिन्यू इसमें खेल रही थी। तो ये देखिए वो अभी उसके घर के अंदर भी उसमें खेल रही थी, क्योंकि मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया था, मैं उससे बात कर रही थी 2-3 घंटा कंटिन्यू, और मैडम इसमें खेल रही थी, इसलिए परी को सोने के लिए भी लेट हुआ। वो ऑलमोस्ट 12 बजे सोई और हमारा फ़ोन भी 11:30-12 बजे, उसके बाद ही कट हुआ, मैंने उससे पहले परी को सुला दिया। तो चलिए मैं आपको मुझे थोड़ी देर के बाद। वेलकम बैक टू द चैनल, और कैसे आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो नवरात्र स्टार्ट हो गए हैं, आज का कलर है वाइट, और मैंने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं किया। एक्चुअली जब मैं दूसरे सोसाइटी में थे ना, तो वहाँ से हमारे घर मतलब गैलरी से दिखता था कि नीचे गरबा चल रहा है, पर यहाँ से दिखता नहीं है। फिर परी को अगर मैं थोड़ा भी बाहर लेके गई तो वापस ऊपर आती नहीं, इसलिए मैंने देखा नहीं कि सोसाइटी में हो रहा है कि नहीं। पर मैंने सोचा कि आज जाके देखूँ हो रहा है कि नहीं, और कल तो आपको इस ब्लॉग में आगे का मिल जाएगा या शायद नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। तो हम लोग जाने वाले हैं कहीं गरबा खेलने के लिए, तो वहाँ पे परी का आपका गरबे का लुक भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सो अभी तो हम ऐसे जा रहे हैं, बस ऐसे थोड़े बहुत वाइट कपड़े पहन लिए, मतलब परी को तो मैंने सुबह से फ्रॉक पहना के रखा था, वही लेके जा रही, क्योंकि सोसाइटी में करना है देखना है। एक्चुअली कन्फर्म नहीं कि गरबा हो रहा है कि नहीं, इसलिए तो चलिए देखते हैं, अगर होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और बाकी की बातें आने के बाद करेंगे। Thank you.